हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। तो आगे हम एक नए व्लॉग के साथ, और यहाँ पे जी मैविश कर रही है स्ट्रॉबेरी काटी। पहले मैंने खाई थी काट के, सही मैंने और एलन्स ने, तो अभी मैं जूस के लिए ये दुआ करी, मैंने जूस पीना स्ट्रॉबेरी का। तो मैं दुआ का लोग बना के देने लगे हैं जी, शेक 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 बनाकर। हाँ, स्ट्रॉबेरी का शेक बना के देंगे दुआ को, और साथ साथ दिखाएंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं, खाने में क्या बनाने लगे। खाने में आज जो है ना स्पेशल बनने लगा है जी, ग्रीन चिकन ग्रीन कढ़ाई। हाँ। और वो बनाएगी मैविश फर्स्ट टाइम बनाने लगी। अगर खराब होगी तो प्लीज बैड कमेंट्स मत करना। और उसके लिए मैं सामान लेके आ गया हूँ। पहले नंबर पे तो ये है जी बच्चों के लिए बर्गर, ये बर्गर लेके आया हूँ। और ये लेके आया हूँ जी मैं चिकन, सही है। और ये दही जो डलेगा इसके अंदर, और ये धनिया वगैरह, और ये कैचअप किसके लिए? ये मैं बर्गर खाऊंगी, मैंने ये बर्गर, मैं दो बर्गर लाया हूँ, चिकन सारा सामान लेके आया हूँ। और यहाँ पे मैविश काट रही है स्ट्रॉबेरी, और हमारे साथ है यहाँ पे दुआ। दुआ हेलो कर दो। हेलो। और दुआ के लिए मैं आज लाया हूँ इसकी कॉपी लाया हूँ इसकी, वैसे वो 3-in-1 चल रही है, उसके अलावा भी जो है ना मैं लाया हूँ दुआ के लिए यहाँ पे कॉपी। ये है जी, ये है जी मैथ की, और एक मिनट, ये है जी उर्दू की, पापा। और ये है जी इंग्लिश की, उर्दू इंग्लिश। और ये दुआ के लिए लेके आया हूँ, दुआ रख दो, एलन छूट जाएगा ना फिर वो शोर करेगा। ये लेके आया दुआ के लिए, उसके लिए काट के धो के, और मैंने इसको बारीक बारीक सा काट दिया इसका। अब इसके बनाते दुआ के लिए जूस बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा आराम से, बन जाएगा। और यहाँ पे पहले होगी पेट पूजा, फिर काम होगा दूजा, ठीक है। और इसको इग्नोर कीजिएगा, इसका जो कपड़ा है, इनका सारे का कपड़ा जो है ना वो छत पे है, सारे आज कपड़े धोए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। छत भी धोई है मैंने आज। और यहाँ पे एलन्स है हमारे साथ, यहाँ पे एलन्स किया है सो, ये अभी उठेगा। और यहाँ पे चादर नहीं बिछाई क्योंकि चादरें हमारे पास एक दो हैं बड़ी, बकाया छोटी चादर छोटी है, जो दो तीन बड़ी चादरें हैं मैंने ऊपर धो के डाली हुई हैं, और वैसे इनमें से कोई सूख जाएगी तो फिर मैं डालूंगी, और मैं नहीं भी लेकर आऊँ। हाँ, क्योंकि वो पहले बेड था हमारे पास, छोटा बेड था, छोटे बेड की तो बहुत सारी बेडशीटें हैं मेरे पास, लेकिन छोटी है, फायदा नहीं। हाँ, और यहाँ पे दुआ करेंगे बर्गर एंजॉय, और अभी करेंगे इसको स्टार्ट, जो भी जो से भी बनेगी चिकन ग्रीन कढ़ाई। बहुत सारा प्यार देना, और मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन कढ़ाई। ग्रीन कढ़ाई, चले जी मिल्क शेक बनने के लिए तैयार है। इसमें दूध और स्ट्रॉबेरी और चीनी हम लोग ने डाल दी, और थोड़ा जी। यहाँ पे हमारा जो शेक है वो रेडी हो गया, और ये है जी दो गिलास हमारे रेडी हो गए, और जग के अंदर भी है, जबरदस्त बना है। कैसा बना शेक? यम्मी बना, मजे का। और एलेस उठ गया, एलेस बर्गर खा रहा है। एलेस उठ गया, एलेस बैठ के खा, जाओ बैठ के खाओ, बैठ के उसको भूख इतनी। चलो जी अभी दुआ, ये लो पी लो, पी लो। ओ, बताओ कैसा है? चलो जी, यहाँ पे जो है ना चिकन वॉश हो गया, चिकन अच्छे से मैविश ने कर लिया है वॉश, और यहाँ पे हो गया है मसाला इसका ग्राइंड। अभी इसमें मैंने डाली थी हरी मिर्ची और धनिया और क्या, हाँ, और दही, ये तीन चीजें डाली, हरी मिर्ची, धनिया और दही, और दही। इसको अच्छे से देख लो, ग्राइंड हो गया नहीं हुआ? लग रहा है हो गया। हाँ, हो गया, हो गया। हाँ, चलो जी अब इसको निकालते हैं, इसमें डालते हैं। ये बन रहा है जी यहाँ पे, इसको रखेंगे मैरिनेशन के लिए, इसको मैं अच्छे तरीके से पहले ये रख लूँ साइड पे। वाओ, इसकी खुशबू कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है ना, जैसे वो चटनी पे होती है ना, तो ये बहुत यम्मी बनेगा। मतलब दुआ करो कि इतना ही ग्रीन रहे, ये इतना ग्रीन रहेगा तो ग्रीन कढ़ाई बनेगी, अगर फिर ग्रीन कढ़ाई बनेगी। पापा ये क्या है? ये चिकन है। वैसे तो फूड कलर्स में यूज करते ग्रीन, लेकिन मैं एक इन मारो मैं नहीं यूज करूंगी, मैं ऐसे ही करूंगी। तो इसको करते हैं मैरिनेशन, तो करते हैं मसाले की तैयारी। तो आप लोगों ने बताना है कि ग्रीन कढ़ाई ऐसे ही बनती है क्योंकि मैविश बना रही है। मैंने भी वैसे फर्स्ट टाइम, हां
मैंने भी एक रेसिपी देखी थी, उसको देख के मैं फॉलो कर रही हूँ। वैसे तो आपको पता है देख के बनाओ तो इंसान बना ही लेता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कढ़ाइयाँ तो हर तरह की होती है, बंदा बना ही लेता है। चलें देखते हैं साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो अभी मैं मसाला रेडी करने लगी हूँ उसका, इसका तो फिर मैं वो दिखाऊंगी। चलें जी आगे हम किचन की तरफ। तो यहाँ पे हो रहे हैं जी प्याज ब्राउन हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ग्रीन कढ़ाई, फर्स्ट टाइम। उम्मीद है कि अच्छी बनेगी वैसे है। और यहाँ पे टमाटर, हाँ, और ये मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है, अभी तक रखा हुआ है, टाइम हो गया है, आधा घंटा हो गया जब से हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है, आधे से पौना घंटा हो गया इसको हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ, टाइम यहाँ पे बच गए 6:30 हो गए। और देखते हैं आज ग्रीन कढ़ाई कैसे बनने वाली है। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, अदरक लहसुन बस ये पीसा हुआ, थोड़ी थोड़ी मोबाइल टूट जाता है, लग जाती। ये है जी गरम मसाला पीसा हुआ है, इसमें रेड चिली का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ वैसे लोग डालते ही नहीं, कि अगर आप लोग बोलते हो वीडियो भी बहुत अलग अलग तरह से बनाई है, कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, कुछ लोग प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं सारा कुछ डालूंगी, लेकिन रेड मिर्ची जो है ना वो मैं नहीं डालूंगी, वो नहीं डालनी। हाँ तो आज ग्रीन कढ़ाई तो चेक करेंगे, वैसे तो दूसरी कढ़ाइयाँ तो बनती रहती है। व्हाइट कढ़ाई भी मैंने बनाई थी, बड़ी टेस्टी बनी थी, वो मैंने मम्मी के चैनल पे बनाई थी। तो ये बनाने किसी दिन फिर ट्राई करेंगे। हाँ फिर बनाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर आपने बताना है। वो तो मुझे बनानी आ गई है, क्योंकि मैंने रेसिपी भी बनाई थी उसकी। तो आप हमारी फेसबुक पे भी जाएं, उस पे हमें बहुत सारा प्यार दें, मैविश कुकिंग व्लॉग। हाँ मैविश कुकिंग व्लॉग। वैसे उसका नाम चेंज कर देना चाहिए, नाम उसका चेंज कर देंगे। फिलहाल आपने जाना है और फॉलो करना है लाजमी मुझे फेसबुक पे भी। फेसबुक पे फॉलो करें जाके, और फिर उस पे भी अच्छे अच्छे। ये नहीं फेसबुक पे तो हम और मतलब और वीडियो डालते हैं, मतलब यही वाली जो हमारी वीडियो होती है आपको फेसबुक पे भी मिलेगी। नहीं उसके अलावा भी डालते हैं, उसके अलावा भी डालते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे भी बहुत 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 ज्यादा प्यार दे, फॉलो करें मुझे वहाँ पे। हाँ अभी साथ साथ प्याज में ब्राउन कर रही हूँ, और मैं करी थी अपनी दोस्त से बात फोन पे सोनिया से, तो अभी फारिक होके फिर करती हूँ बात उसे। चलिए जी मसाला अदरक, इसके अंदर अदरक लहसुन वगैरह गरम मसाला भी मैंने डाल दिया, अभी टमाटर डाल दिए इसके अंदर, मैंने दो बड़े स्लाइस के टमाटर काटे हैं इसके अंदर, तो इनको थोड़ा सा वो कर दें, ऐड कर दें, फिर मैं आपको खाती हूँ। चले जी देखिए मसाला आपको रेड रेड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि टमाटरों का कलर भी रेड होता है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी काफ़ी खासा लग रहा था और अजान होने लगी, इसलिए मैंने आपको ना ज़्यादा दिखाया नहीं है। तो अभी जो ये मसाला हो गया बिल्कुल रेडी, इसमें नमक मिर्ची वगैरह जो भी मसालों की कमी थी वो मैंने सारे डाल दिए, मसाला हो गया मेरा अच्छे से रेडी। और अभी मैं डालूंगी ये मैरिनेशन किए हुए का, एक घंटा हो गया, मैंने बहुत हल्की आंच पे मैंने बनाया है, और मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाह रही थी, और इसको हो गया अच्छा खासा टाइम। तो अभी इसको हल्की आंच पे बनाएंगे दम पे, इसको हम बनाएंगे दम पे, स्टीम पे बनाएंगे, जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे, और ये बहुत टेस्टी बनेगी। तो अभी पहले इसको करेंगे फ्राई, तो बाद में रख देंगे दम पे, उसको आने वाली डेरी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। चले जी यहाँ पे हमारा चिकन ग्रीन ग्रीन हो गया है रेडी। ये ऐसा क्यों हो गया जैसे पालक पालक होती है ना? तो पहले के बाद मैंने इसके अंदर इतना स्पाइसी मैंने कुछ डाला नहीं, तो फिर इसको ग्रीन रखने के लिए मैंने कुछ इस तरह का ही किया हुआ है। तो बताना कमेंट्स में आपको कैसा लगा, ग्रीन लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है, वैसे तो लग रहा है, हाँ लग तो रहा है। तो मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही ग्रीन हो, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत आपको पता है मसाले पक जाते हैं कलर तो आता ही है ना दूसरा फिर, लेकिन ये बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत ही मज़े का यम्मी लग रहा है, और इसकी बोटियाँ भी बहुत अच्छी है। मैंने अभी भी हरी मिर्चें और कुछ चीज़ें काट के मैंने डाल दी इसके अंदर, जबरदस्त रेडी हो गया। हाँ रेडी हो गया। तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना कि महवेश ने आज जो है ग्रीन चिकन कैसा बनाया। मैंने बहुत मेहनत से बनाया, मैं इधर ही खड़ी, मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना काफ़ी देर से, मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, मैंने ख़राब नहीं हो गए। नहीं सही है, जब कोई ऐसी कुकिंग करो थोड़ा सा इंसान को होता है कि मतलब जो हम बना रहे हैं वो अच्छा ही बने। सही है, अच्छा बना हुआ है। हरी मिर्च ग्रीन चिकन। अच्छा। चले जी यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग का हम एंड, ठीक है। तो आपने बताना है कमेंट्स में आपको कैसा लगा, और मुझे बहुत देना है बहुत सारा प्यार, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब लाइक शेयर, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, तो बहुत जल्दी अच्छा सा व्लॉग लेकर आऊंगी। सोचती हूँ रोज जरा बाहर जाने का, लेकिन फिर आपको पता है बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाने देखते हैं अभी तो कैसा नाम है वो शूट का बोल रहे हैं, वो भी पता नहीं होगा या नहीं होगा। हाँ, उसका भी कंफर्म नहीं है, शूट का भी इतवार वाले दिन पक्का पता चलेगा कि शूट है या नहीं है। आज क्या है, आज बुध है मेरे ख्याल में से, हाँ
नहीं सुबह फ्राइडे है, हज में रात है। अच्छा हज में रात है। हाँ तो सुबह संडे वाले दिन उसका परफॉर्म पता चल जाएगा कि शूट मेरा है कि नहीं है, वो भी आपको संडे को पता चलेगा। चलो जी यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। अगर वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर बहुत सारा देना है प्यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।